वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मजदूर जो अन्य राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए हुए थे वहीं फंस गए। लगातार प्रवासी मजदूरों का पैदल पलायन खबरों की सुर्खियों में भी रहा था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से इन प्रवासी मजदूरों को वापस उत्तर प्रदेश के लाने का भागीरथी प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाया गया। ताजनगरी आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने लगभग 50 बसों की व्यवस्था कराई। ये बसें इन प्रवासी मजदूरों को अलग अलग 30 जनपदों तक छोड़ेंगी। सूत्रों की माने तो इन प्रवासी मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। आगरा कैंट तक आने वाली है और आ गई है, और इसमें करीब करीब 1200 पैसेंजर हैं जो कि हर वर्ग से हैं, श्रमिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपने घर से दूर हो गए थे उनको लाया गया है और इनको फिर सुरक्षित भेजा जा रहा है जहां पे है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगरा कैंट स्टेशन पहुंचने पर प्रवासी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की, जिसके बाद इन मजदूरों को बसों में बिठाकर इनके गंतव्य तक रवाना कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान देश के सुदूर इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों का लाने का सिलसिला राज्य सरकारों द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए गुजरात अहमदाबाद से आगरा कैंट आगरा पर 1200 प्रवासी मजदूर आज यहां पहुंचेंगे, जिनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। इसके तहत करीब 50 बसों की ड्यूटी लगाई गई हैं, जो कि इन प्रवासी मजदूरों को इनके अलग अलग 30 जिलों में पहुँचाने का काम करेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार कई सारी बसें इन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए खड़ी हुई हैं। हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और आगरा कैंट पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। गोले बनाए गए हैं जिसके तहत इन मजदूरों को इन गोलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कहा जा रहा है, उसके तहत लाने का काम शुरू होगा। प्रवासी मजदूर जब आगरा कैंट स्टेशन पर उतरेंगे तो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पाया जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट या क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा अपनाई जाएगी। यहाँ पर लगातार कई विभागों के कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो इन प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचने का कारण सिद्ध होंगे। अपने साथ ही कैमरा पर्सन गौरव कुशवाहा के साथ मैं अमित शर्मा, डीजी महाराजा न्यूज़ आगरा।